सारा गैंग आया हुआ है, लेकिन उसमें से दो लड़के आए हैं हमारे पास इंटरव्यू देने। कहाँ से आए आप? हम कार्डिफ से आए, इंस्टीट्यूट से। वहाँ पे हम कर रहे हैं ऑथम लेवल 3 कोर्स है। एक ये कोर्स क्या है? हेल्थ एंड सेफ्टी। हेल्थ एंड सेफ्टी। क्या नाम है आपका? अबूजर साजिद। और आपका? मोहम्मद उमर। अबूजर, आप लोग दोस्त हैं आपस में? जी दोस्त हैं। यहाँ पे बने? यहाँ पे बने। मॉल के अंदर बने या लाहौर में? लाहौर में बने हैं, हॉस्टल में। हॉस्टल में। हॉस्टल लाइफ कैसी है? हॉस्टल लाइफ अच्छी है, एक्सपीरियंस अच्छा होता है बंदे का हॉस्टल लाइफ। से लोगों की आवाज़ आगे वहाँ लड़कियाँ नहीं है, बाकी अच्छी है। बस अपना अपना माइंडसेट। आपका माइंडसेट क्या है हॉस्टल को? फिलहाल तो अपने कैरियर पे फोकस कर रहे हैं। कैरियर पे के करियर पे? करियर पे, करियर पे एक ही बात वो भी है, फ्यूचर पे। फ्यूचर पे जी, बिल्कुल। अच्छा मुझे ये बताएं कि हॉस्टल में शरारतें भी काफ़ी लड़के करते हैं और लड़कों के साथ ही शरारतें करनी पड़ती हैं, तो कोई अपनी मज़ेदार सा किस्सा सुनाए ना। हम पिछले सेशन ना 15-20 दिन पहले तो हॉस्टल का ना पानी ख़त्म हो गया था तो जो है ना इंस्ट्रक्टर हमारे वो भी कॉल नहीं थे पिक कर रहे, तो हमने ना लिख के ना चार्ट पे पेज पे और कैमरे के आगे किया था पानी जल्दी भेजो पानी आया आ गया था फिर वो हो गया ना बिग बॉस, हम चाहते हैं कि पानी दिया जाए बिग बॉस रात 8:30 बजे। बिग बॉस वाला सीन है, मैं तो पहली दफ़ा आया हूँ, फर्स्ट टाइम आया हूँ। कल पहले दिन आया, हॉस्टल लाइफ कभी नहीं देखी, बिल्कुल बेकार है, कोई चीज़ नहीं है, चीज़ नहीं है, दिल नहीं लगता। हॉस्टल में रहे क्यों, देखा नहीं था पहले? रोज़ जाना, मैंने अब गुजरात से आया हूँ, रोज़ जाता हूँ। पहले हॉस्टल चेक नहीं किया था? कभी नहीं किया। हॉस्टल अच्छा है? नो डाउट। नहीं अच्छे लगे आपको? सब अच्छे हैं। हॉस्टल अच्छा नहीं है? अब दिल तो लगाना नहीं है। शादीशुदा है? अल्हम्दुलिल्लाह। लग नहीं रहे? दिल नहीं लगता मेरा, सीधी सी बात है। दिल नहीं लगता? अच्छा मुझे लगा दिल नहीं लगता। शादी हो गई है फिर कहाँ दिल लगेगा? तो हॉस्टल लाइफ में तो बिल्कुल लव मैरिज हुई है या अरेंज मैरिज? ऑब्वियसली अरेंज। लव को अरेंज? लव तो है ही बहुत है, किससे किससे करवाऊँ? लव को अरेंज किया है? इतने दिल फेंक इंसान, लव तो है ही बहुत, अब किस किस से शादी करूँ मैं बेचारा अकेला अकेला लड़का? एक जानू कितने से कर सकता, जान कितने लड़कियों से शादी कर सकता। मुझे ये बताएं अपनी बेगम की ना एक अच्छी आदत बता दें, एक बुरी आदत। एतमाद करती है बहुत जल्दी, मेरे को नहीं करना चाहिए। थैंक यू, ये बातें भी पहचान लेती है कि ये सही कह रहा है। अच्छा। मान लेती है वो तो फिर मासूम ही ना। मासूम है माशाल्लाह बहुत। और बुरी आदत? बुरी ओवर रिएक्ट करती है छोटी सी बातों पर। अच्छा। संभाल लेता हूँ फिर भी। संभाल लेते हैं आप, टिप हमें भी दे दें। आपकी हुई है तो फिर टिप क्या दे रही है आपको? जो देख रहे व्यूअर्स उनको टिप दे दें। टिप यही है कि शादी के बाद लाइफ चेंज हो जाती है, कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है दोनों तरफ। लाइफ सिंगल लाइफ ज़्यादा अच्छी है या शादीशुदा वाली? शादीशुदा ज़्यादा बेहतर है। कैसे? कुछ संभालने वाला हो जाता है, संभालने वाला हो, किसी को फिक्र तो होती है ना आपकी। हाँ, सही है। ना को पूछ, पहले ना को पूछने वाला होता है ना कहने वाला होता है। सही कह रहे हैं आप जी, बिल्कुल। ऐसे लोगों को देखे जो सिंगल लोग होते हैं जैसे आपको, आपका दिल करता है शादी करने का? ज़ाहिर है फिर ये हिस्सा ज़िंदगी का, करनी है करनी, जो आया दुनिया पर उसने करनी करनी है शादी। नहीं मरना, शादी भी करनी, शादी भी करनी करनी। ये तो इतने इंस्पायर हैं, आज ही करने को रेडी हैं। लड़की नहीं मिल रही? नहीं अभी ट्राई नहीं किया। कैसी लड़की चाहिए आप? जैसी अल्लाह दे देगा, नबल चलनी चाहिए बस। भी कोई क्वालिटीज एक इंसान सोचता है कि भाई मेरी पार्टनर के अंदर यही ये क्वालिटीज होनी चाहिए? जी जिस तरह की हमारी आजकल की एक्सपेक्टेशंस हैं उस तरह आप होता तो नहीं, फिर भी बता दो। ऑर्डर पे तैयार करवानी पड़नी है कोई लड़की। ऑर्डर दो ना, ऑर्डर में आपको क्या क्या चीज़ चाहिए, क्या क्या स्पेसिफिकेशन? जब वक्त आएगा तब देख लेंगे। बता दो ना। कुछ नहीं, मुखलस होनी चाहिए, लॉयल होनी चाहिए और केयरिंग होनी चाहिए। एक ही लेनी है, 3-4 नहीं भाई, क्वालिटीज बता रहा हूँ। तो 3-4 फिर वही मैं पहले कह दिया ना कि दो और बता दो। दो और क्या, और क्या नबस चलनी चाहिए उसकी वो लड़की। कहाँ से आए ये लोग? ठीक है मुझे और कुछ कहना, हिडन टैलेंट आपका, कोई शायरी कोई गाना कोई भी ऐसी चीज़? शायरी सुना देता हूँ। वो जो तामीर होने वाली थी लग गई आग उस इमारत में, जिंदगी कैसे बसर होगी दिल नहीं लग रहा मोहब्बत में। शदीद सिंगर, सही कह रहे हैं आप। आप कुछ सुना दें? शायरी कोई आती तो नहीं है खास, आम सुना दे। जिसको छोड़ने के लिए नमाज़ें शुरू की, फिर नमाज की दुआओं में उसे ही मांग लिया। क्या बात है, क्या बात है। और ये ऐसे ही होता है, जिसको भूलने के लिए जाए नमाज पे बैठता है एंड अल्लाह ताला जो भी है ना दे दे वही दे दे। सही है। अच्छा खाने का क्या क्या सीन होता है, कि बाहर से खाते हैं हॉस्टल से खाते हैं? खाना जो है वो ब्रेकफास्ट और जो है डिनर वो खुद ही है अपने पैसों से, और जो है लंच वो हॉस्टल प्रोवाइड करता है। बस
एक टाइम का हॉस्टल करता है, एक टाइम का हॉस्टल, एक टाइम की माँ जो है वो हॉस्टल है, हॉस्टल है बिल्कुल। तो कभी आपके घर वाले पता नहीं करते कि भाई लड़के आवारा तो नहीं हो रहे? एक दिन हुआ, क्या पता करो। अच्छा, हॉस्टल लड़कों को आवारा करता है या नहीं करता? ये वो ना आदत आपकी जिस तरह पहले घर में बनी होती है ना उस तरह ही, यानी हरबूजे को देकर रंग पकड़ता है दूसरा हरबूजा। तो आपका मतलब कि आप इतने आवारा लड़कों में आप रहते हो तो उसमें आप सही रह सकते हैं? नहीं, बिल्कुल अपने आप पे कंट्रोल होना चाहिए इंसान का, इतना कम से कम इतना तो पता होना चाहिए क्या चीज़ बुरी है क्या नहीं। फैमिली आपको कोई ऐसे फनी नेम से बुलाती हो, कोई निक नेम? नहीं, उमैर ही बुलाते हैं। और आपको? अबूजर, निक हो नहीं सकता इसका, अबू नहीं कह सकते कोई। आप बनेंगे अपने बच्चों? वैसे मैं नेम है मैंने खुद ही रखा है, लेकिन सब मुझे उससे बुलाते हैं कॉमरेड। कॉमरेड कैसा नाम हुआ? ये बस नेम है कॉमरेड। ठीक है जी, कॉमरेड और अबूजर थे हमारे साथ, अच्छा लगा गपशप लगा के। थैंक यू सो मच। थैंक यू।